बीती रात उत्तराखंड की राजधानी में मूसलाधार बारिश मुसीबत का पहाड़ लेकर आई। देहरादून में कई जगह अतिवृष्टि के कारण नदी नालों का पानी लोगों के घरों और दूसरे संस्थानों में घुसने लगा। पहले दिए गए दिशा निर्देशों के मुताबिक SDRF पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गई और अलर्ट टीमें तुरंत ही रेस्क्यू के लिए मौके पर रात भर डटी रही। पहली घटना देहरादून के IT पार्क से, जहां डॉक्टर गिरीश चंद्र जोशी ने फोन से जानकारी दी कि IT पार्क में राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण बिल्डिंग में बारिश का पानी आने के कारण 10 से 12 लोग फंस गए और SDRF टीम की जरूरत है। इस सूचना पर SDRF सहस्त्रधारा से टीम तुरंत मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू कर बिल्डिंग से बाहर निकाला गया। वहीं बाहर का मंजर भी डराने वाला था, जहां IT पार्क रोड पर बारिश का पानी उफनती नदी सा लग रहा था और दोनों ओर लोग और वाहन फंसे हुए थे, जिन्हें सुरक्षित आर पार करवा कर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। IT पार्क से आमवाला की ओर जाती हुई रोड पर भी चौक पर जलभराव के कारण कुछ गाड़ियां फंस गई थी, जिन्हें सुरक्षित रोड पार करवाया गया। दूसरी ओर अतिवृष्टि से बिंदाल में भी जलभराव की सूचना पर SDRF टीमें तुरंत बिंदाल चौकी पहुंची, जहां से SDRF टीम द्वारा बिंदाल पुल के नीचे नदी के बढ़ते जलस्तर से दोनों ओर बनी झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों को खतरे से बचाने के लिए तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। लोगों को नदी के बढ़ते जलस्तर के खतरे से सचेत करते हुए सुरक्षित जगह पर लाया गया। वहीं गजवाड़ी इंदिरा नगर में भी नदी का पानी कॉलोनी में घुस आया था, जहां SDRF टीम मौके पर पहुंची। नदी का जलस्तर घटने से घरों में घुसा पानी धीरे धीरे कम हो रहा था। स्थिति सामान्य होने तक रेस्क्यू टीम द्वारा लोगों को हर जरूरी मदद दी गई और सचेत भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, राजशुमारी।